हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज स्टार्टर। आप देख रहे हैं नेचुरल फिजिक्स। सो आज के इस वीडियो में हम लाए हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ पॉलीनोमियल्स। तो ये अलजेब्रा का एक लेसन है। हमने पॉलीनोमियल ये जो सीरीज स्टार्ट की है उसका लेक्चर नंबर 1 देखा था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कॉन्स्टेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स, कोएफिशिएंट्स। बट इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं पॉलीनोमियल्स और एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिविजन वो आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करेंगे हमारा वीडियो। तो व्हाट इज मीन बाय पॉलीनोमियल? पॉलीनोमियल बेटा देखो, आपके बुक में क्या दिया है सेंटेंस कि पॉलीनोमियल इज अ एक्सप्रेशन दैट इज दैट इट हैव नॉन नेगेटिव पावर। मतलब सपोज आपके पास एक नंबर है जिसके अंदर वेरिएबल होने चाहिए, जैसे कि मैंने बोला 2x। 2x क्या पॉलीनोमियल है? हाँ, पॉलीनोमियल है। और अगर मैंने आपको पूछा कि 2x पावर माइनस 2, तो ये क्या पॉलीनोमियल है? नहीं। तो पॉलीनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसकी पावर नेगेटिव नंबर नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, और उसके अंदर वेरिएबल होने चाहिए, ठीक है। ये दो कंक्लूजन है इसके अंदर, ठीक है। तो बुक में आपको सेंटेंस दिया होगा द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड पॉलीनोमियल। यहां पर लिख देता हूं वो सेंटेंस, एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैव वेरिएबल एंड कंटेन नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड पॉलीनोमियल। देखो, पॉलीनोमियल का सीधा सीधा मतलब है एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल मतलब जो कांस्टेंट नहीं है, जैसे कि आप एक्स मान लो, वाई मान लो, जेड मान लो, ए बी सी डी, कौन सा भी, ठीक है। तो हमारा एक वेरिएबल होना चाहिए और नंबर हुआ नहीं हुआ तो वो चलेगा। जैसे आप बोल सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो ये पॉलीनोमियल है। हाँ, पॉलीनोमियल है क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल है। इसमें ये मैटर नहीं करता कि आपके पास कोई एक कांस्टेंट नंबर है या नहीं। कांस्टेंट नंबर है तो भी पॉलीनोमियल होगा। बट अगर आपने ऐसा बोला कि देखो भाई, मेरे पास अगर है एक एक्सप्रेशन जैसे कि 2 to the power 2 plus 3 minus 7 to the power 3, तो क्या है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है भाई? तो पहली बात, ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है नहीं। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर कहीं पर आपको वेरिएबल दिख रहे हैं, वेरिएबल जैसे कि एक्स वाई ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ऐसे नहीं दिख रहा। तो मैं बोल सकता हूं कि ये एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है क्योंकि इसके पास कोई वेरिएबल ही नहीं, वेरिएबल है नहीं, तो ये एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है नहीं। तो अगर मैंने दूसरा एक एग्जांपल लिया जैसे कि 3x पावर 2 प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 3x पावर माइनस 2, तो ये क्या एक पॉलीनोमियल है? तो भाई एक बात और डिस्कस करने की रह गई। तो बहुत देर के बाद अभी लाइन आ चुकी है, 1-2 घंटे के बाद, तो अभी हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। देखो, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे टॉपिक पे कि हमारे पास सपोज एक इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 3x पावर माइनस 2, तो ये हमारी इक्वेशन थी। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे फ्रेंड्स कि देखो ये जो पॉलीनोमियल में हमने एक एग्जांपल लिया, ये क्या ये पॉलीनोमियल है? तो सुनो, पहली बात कि ये पॉलीनोमियल नहीं है। अभी क्यों? देखो, मैंने एक बात बताने रह गई कि अगर कोई पॉलीनोमियल के अंदर हमारा या कोई एक्सप्रेशन के अंदर हमारा कोई नंबर क्या बोल सकते हैं हम, रैशनल है, रैशनल मतलब 3/1 ऐसे नहीं बोल रहा मैं, फ्रैक्शन के अंदर है, तो वो हमारा पॉलीनोमियल कंसिडर नहीं हो सकता। देखो, यहां पर फ्रैक्शन चल रहा है तो ये हमारा पॉलीनोमियल नहीं है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमने यहां पर पढ़ा था इस अबो
स्टेटमेंट में एंड अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैव द वेरिएबल एंड कंटेन नॉन निगेटिव नंबर, नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर. अभी इंटीग्रल पावर का मतलब है कोई भी एक पावर बट नॉन निगेटिव. अभी नॉन निगेटिव का मतलब क्या है? जो निगेटिव ना हो, जैसे कि माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, ऐसा नहीं होना चाहिए. हमारी पॉजिटिव में पावर होनी चाहिए या तो जीरो होनी चाहिए. ये देखो, अगर आप किसी की पावर जीरो लेते हो, जैसे कि ए की पावर अगर आपने जीरो ली, तो इसका मतलब है उसकी वैल्यू है वन. ये हमने एक शॉर्ट में डिस्कस किया था, तो शायद वो शॉर्ट आप जरूर देखना, ये इंपॉर्टेंट है. वाई द पावर ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन. ठीक है, तो अगर जीरो होगा तो भी चलेगा, बट हमारा निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए. पावर कभी निगेटिव नहीं होनी चाहिए. या अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2 अपॉन 2 पावर 3 अपॉन 4, तो ये भी एक पावर है, ये भी एक पावर है. हमने लॉ ऑफ इंडाइसेस लेक्चर पढ़े थे, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि ये जो ऊपर का होता है, ये वाला पार्ट, ये 3 जो है, तो वो हमारा है पावर, बट ये 4 जो है वो है रूट. मतलब इसको हम कंसिडर करते हैं फोर्थ रूट ऑफ 2 का पावर 3, तो हम इसको कंसिडर करते हैं. और ये जो 4 है तो वो एक निगेटिव नंबर है. मतलब रूट क्या होता है, एक निगेटिव नंबर, हम ऐसे समझ सकते हैं. तो रूट इसके अंदर नहीं चलते पॉलिनोमियल के अंदर. ठीक है, कंसिडर, इतना समझ गए होंगे आई होप सो. ये देखो, पॉलिनोमियल के अंदर रूट का एक अलग होता है, अलग पॉलिनोमियल्स होते हैं वो, बट ये ऐसे नॉन निगेटिव पावर ये नहीं चलते. ठीक है, आई होप सो यहां तक आपको समझ में आया होगा. ठीक है, पॉलिनोमियल समझ में आ गए. उसके बाद दूसरा टॉपिक हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. अभी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि देखो सुनो, डिग्री, अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन, जैसे कि मैंने माना एक्स पावर 3, आपको x दिख रहा होगा कि x पावर 3, तो यहां पर मुझे बताओ इसकी डिग्री क्या है. डिग्री का मतलब है उसका पावर, उसकी पावर कितनी, उसके अंदर कितनी ज्यादा पावर है. तो वो पावर है 3. तो मैंने बोल दिया कि इसकी डिग्री जो है वो हमारी है 3. मैंने बोला कि 2x पावर 2 प्लस y, तो इसकी पावर बताओ. तो यहां पर आपने बोल दिया, अरे भाई यहां पर पावर 1 होगी और यहां पर 2, तो हम ऐसे बताएं कैसे कि इसकी पावर कितनी है. तो भाई सुनो, किसी भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में या किसी भी पॉलिनोमियल में उसकी पावर डिसाइड कैसे होती है कि हाईएस्ट पावर. जैसे कि एक पॉलिनोमियल है हमारे पास, लेट्स सपोज एग्जांपल 3y क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3, तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल है. ठीक है, तो इसके ऊपर कितने सारे डिग्री है, यहां पर डिग्री नहीं है क्योंकि यहां पर कोई वेरिएबल नहीं है. हाँ, 3 की डिग्री होती है वो हम नहीं कंसीडर करते, हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे सिर्फ वेरिएबल की डिग्री. तो y की डिग्री 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3. तो हाईएस्ट डिग्री, यहाँ पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3, सबसे बड़ी डिग्री 3 है. तो हम बोलेंगे कि पूरे जो एक्सप्रेशन की है, ये पूरा जो पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री होगी 3. तो डिग्री हम कैलकुलेट करते हैं हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. आपको ये बुक में भी दिया हुआ होगा. देखो, इजीली फाइंड करना है अगर डिग्री कितनी है, तो उसकी सबसे बड़ा नंबर ढूंढो, सबसे बड़ा पावर वाला नंबर, जैसे कि y क्यूब, y की पावर 5, ऐसे. लेट्स सपोज मैं एग्जांपल दूंगा 3y पावर 4 प्लस 7y स्क्वायर प्लस 3, इसकी आपको डिग्री पहचाननी है. 2z पावर 7 प्लस 7y 6 प्लस 7x. इसके बाद ये z है, हाँ, ये 2 और ये z. उसके बाद 3p पावर 2 प्लस 6y 8 प्लस 8x. तो इसकी मुझे बताओ तुम डिग्री. वीडियो को पॉज करो, पॉज करने की भी जरूरत नहीं, इजीली फाइंड हो जाएगा. सुनो, यहाँ पर सबसे बड़ी डिग्री क्या है, सबसे बड़ी डिग्री है 4. हम लिखेंगे 4 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल. यहाँ पर सबसे बड़ी डिग्री 7 है, ये 7, और सबसे बड़ी डिग्री अभी यहाँ पर 2 है. अरे टेंशन लेना नहीं, फर्स्ट में हो आखिरी में हो, बट डिग्री ढूंढो. सबसे बड़ी डिग्री क्या है, 8, तो यहाँ पर लिख देंगे 8. तो इसे ही कहते हैं हमारे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है,
तो हम पॉलिनोमियल की डिग्री सबसे बड़ी कौन सी है वैसे फाइंड करते हैं। दूसरा है हमारा पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू डिग्री, ठीक है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू डिग्री, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल के भी टाइप्स होते हैं भाई, अभी वो पढ़ना पड़ेगा, पॉलिनोमियल इतना इजी नहीं है क्योंकि ये 10th 11th 12th हर क्लास में रहता है। तो फ्रेंड्स हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू देयर डिग्रीज। तो पॉलिनोमियल के अंदर भी टाइप्स आते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल रिस्पेक्ट टू देयर ऑन देयर, ठीक है। तो ये जो है हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उनके डिग्री पर, ठीक है। तो अभी डिग्री आपको पता है, मैंने अभी बताया था कि किसी भी हमारे एक्सप्रेशन का ऊपर का जो पावर होता है उसे हम डिग्री बुला सकते हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल जो है ना वो कैटेगराइज करे हैं अलग अलग फॉर्म में, मतलब अलग अलग ग्रुप में डिग्री वाइज। जैसे कि हमारा फर्स्ट फॉर्म जो है, मतलब फर्स्ट टाइप, वो है लीनियर पॉलिनोमियल। फर्स्ट हमारा है लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर जो हाईएस्ट डिग्री होगी, हाईएस्ट डिग्री तो वो होगी वन। जैसे कि अगर हमने एग्जांपल लिए 3x पावर 1 प्लस 3, तो ये इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, हाईएस्ट पावर है वन। तो इसका अगर हमने बताना है कि लीनियर पॉलिनोमियल इसके अंदर हमारी हाईएस्ट पावर जो होगी, हाईएस्ट डिग्री, तो वो होगी वन, ठीक है। सेकेंड है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है बेसिकली कि हमारे पास कोई भी एक एक्सप्रेशन है तो उसके हाईएस्ट डिग्री, जैसे कि 2x स्क्वायर, उसकी हाईएस्ट डिग्री होगी 2, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन हो गया, इसकी हाईएस्ट डिग्री होगी 2। इसके बाद थर्ड आती है हमारी, थर्ड आता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूब। ये देखो थर्ड को इजीली याद रख सकते हैं क्यूब, क्योंकि उसको क्यूब कितने डायमेंशनल होता है, थर्ड डायमेंशनल, मतलब एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल ये इजीली याद रख, लीनियर भी याद, बस क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक को याद रखना, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर हमारा क्या होता है कि हाईएस्ट डिग्री 3 हो सक, मतलब 3 ही होगी, जैसे कि 3x पावर 3 प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3, ये हमारा एक पॉलिनोमियल हो गया जिसके अंदर हाईएस्ट वैल्यू 3। फोर्थ हमारा है बायक्वाड्रेटिक, बायक्वाड्रेटिक का मतलब, बाय का मतलब है 2 और क्वाड्रेटिक का मतलब भी क्या है यहां पर 2 है ना, हाँ बायक्वाड्रेटिक, हाँ बायक्वाड्रेटिक के अंदर क्या है, देखो यहां पर बाय जो स्टैंड होता है वो आप हमेशा याद, जैसे कि कॉटिलीडन्स में 2 होते हैं, मोनोकॉट एंड बायकॉट, सॉरी ये गलत हो गया, ठीक है। बाय का मतलब आप हमेशा 2 होता है और क्या है क्वाड्रेटिक, हमारे यहाँ पर क्वाड्रेटिक पहले से ही 2 है, मतलब पावर जिसकी 2 हो, तो बाय क्वाड्रेटिक का मतलब 2 × 2, मान लो आप 2 × 2 दैट इज 4। सो द हाइएस्ट पावर, हाइएस्ट पावर ऑफ बाय क्वाड्रेटिक जो मान लो वो है 4, हाईएस्ट पावर। तो 3x पावर 4 प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4, ठीक है। तो इसकी हाईएस्ट पावर 4। और फिफ्थ बट नॉट द लीस्ट, दैट इज कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हैव, सुनो यहां पर ये जो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है तो ये थोड़ा हटके है इन सब से। आप अगर स्टेट बोर्ड में हो तो शायद आपको कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल नहीं होगा, हो भी सकता है, मुझे, मैंने देखी नहीं है उनकी बुक। तो सुनो ये कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल सिर्फ कुछ ही बुक में होता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिंपल है और कुछ काम का नहीं है इसीलिए। तो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल भी बता दूं, ठीक है, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होता है, पॉलिनोमियल नहीं होता, सुनो सुनो, जैसे कि मैंने मान लिया कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है, एक नंबर जो कि कॉन्स्टेंट है, जैसे कि देखो 3 कॉन्स्टेंट है और मैंने मान
माना 3x, तो x हो उसमें वेरिएबल हो गया, वो कांस्टेंट नहीं है, तो 3 हमारा कांस्टेंट है, हमको पता है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू, तो इसे हम कांस्टेंट कहेंगे। इसीलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल में सिर्फ एक एक्सप्रेशन होगा, जैसे 3, जैसे कि मैंने मान लिया -11, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और इसका कोई मतलब ही नहीं है। किसी किसी बुक में दिया हुआ है, मैं एक दूसरी बुक से आपको बता रहा हूँ, तो उसमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, बट इसका कहीं पर भी यूज नहीं है, आपके बुक में भी नहीं होगा, तो इस पर बेस एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा गारंटी, ठीक है। तो बातों की बात बाद में, तो अभी ये उस पर डिग्री पे थी, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल रिस्पेक्ट टू नंबर भी ले लेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, ये कॉपीटन बोलो, ये फिफ्थ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप सो यहां तक आपको समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जल्द से जल्दी कर दीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखने के बाद, मुझे पता है अगर आप अभी लाइक सब्सक्राइब करोगे तो वीडियो को कट करके चले जाओ, ठीक है। अभी हमने अभी वो डिग्री डिग्री से भावताल किया था, तो अभी हम नंबर ऑफ टर्म से करेंगे, जैसे कि क्या है हमारा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, किसमें टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल रिस्पेक्ट टू इट्स टर्म, नंबर ऑफ टर्म लिख सकते हो उतना टाइम, ठीक है। तो फर्स्ट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, फर्स्ट है मोनोमियल, मोनोमियल एम ओ एन ओ एम आई एल, तो मोनोमियल आपने कभी सर्च पढ़ा होगा, तो उसमें भी ऐसे टॉपिक आते हैं, तो सुनो, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इन टर्म्स टर्म्स, इसमें फर्स्ट हमारी कैटेगरी है मोनोमियल, मोनोमियल मोनोमियल। तो सुनो, टर्म हमने क्या पढ़ा था, टर्म फर्स्ट लेक्चर में, टर्म का मतलब होता है कि प्लस माइनस जो साइन है वो हर एक पार्ट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करती है, तो उसे हम टर्म कहते हैं, जैसे कि 3x² प्लस 9y² माइनस 3x प्लस 1। तो देखो यहां पर टर्म क्या है, टर्म है ये, मतलब 3x² एक अलग टर्म है, 9y² एक अलग टर्म है, और 3x अलग टर्म, 1 अलग टर्म, ठीक है, ये आपको पता है। तो टर्म को क्या अलग अलग करता है, प्लस और माइनस के ही साइन, डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन अलग अलग नहीं करते, ये ध्यान रखना। हाँ, टर्म मतलब प्लस और माइनस के साइन अलग अलग डिवाइड कर देंगे उनको, तो वो हमारा टर्म हो जाएगा। वैसे ही मोनोमियल, अभी इसमें वर्ड है टर्म, तो ये हम टर्म के बेसिस पर पॉलिनोमियल को कैरेक्टराइज कर, ठीक है, कैरेक्टराइज, ओके। सो मोनोमियल के अंदर टर्म्स क्या होते हैं, मोनोमियल जो है ना उसका मतलब है सिर्फ एक टर्म, एक ही टर्म, जैसे कि मैंने बोल दिया भाई 3x², ये हमारा एक मोनोमियल है, बस यहां पर क्वेश्चन चालू और यहां पर ही क्वेश्चन खत्म, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेंगे 2y, ठीक है, यही एक मोनोमियल है, आप ऐसा नहीं बोलोगे कि 3x प्लस 2y, देखो ये एक मोनोमियल है, नहीं भाई, यहां पर दो टर्म्स है, और आप फिर बोलोगे भाई यहां पर तो एक टर्म है, यहां पर एक टर्म है, वो बाकी का हमको कोई लेना देना नहीं, यहां पर एक टर्म है, अरे भाई वैसा नहीं है, ये पूरा को हम पढ़ते हैं, इसीलिए ये पूरा एक टर्म है, इसके बाद कुछ नहीं, ये पूरा एक टर्म है, उसके बाद कुछ नहीं, ऐसे ही अलग अलग बहुत सारे एग्जांपल है, ले लो 3y³, ये ऐसे एग्जांपल है। दूसरा है हमारा बायनोमियल का मतलब कि दो टर्म, देखो जैसे हमारे पास ये मोनोमियल है, इसके अंदर कितने हैं, मैंने अभी आपको बताया था बायनोमियल, बाय का मतलब है टू, ठीक है, तो मोनोमियल इसमें वन है, बायनोमियल में टू, जैसे कि मैंने मान लिया 9x² प्लस 3y, ये एक बायनोमियल है, ये एक टर्म मिलकर बनाया गया बायनोमियल, ठीक है। दूसरा देखेंगे जो कि है 3y² माइनस 3y, ये एक बायनोमियल, 2y³ प्लस 5, ये बायनोमियल, तो ये बायनोमियल सर, मतलब सॉरी पॉलिनोमियल। उसके बाद थर्ड जो है ना वो है ट्राइनोमियल का मतलब ट्राई का मतलब क्या है, ट्राई का मतलब 3, ठीक है,
तो ट्राइक्स 3 के लिए स्टैंड होता है नॉमियल, अब वो तो हमारा पॉलिनॉमियल है ना, 3 पॉलिनॉमियल आप बोल सकते हैं, 3 टर्म्स वाला। तो देखो ट्राइनोमियल में 3 टर्म हो गए, जैसे कि 3x² प्लस 3y प्लस 2 प्लस 2, उसके बाद 7y² प्लस 3y प्लस 2 माइनस 9, दूसरा एक टर्म माइनस 9y⁴ प्लस 2y² माइनस 3। तो देखो इसमें अलग अलग टर्म है, जैसे कि 3x² 3y और ये 2, ये अलग अलग टर्म हो गए ना। तो ये 3 अलग अलग टर्म अगर हो गए हमारे पॉलिनॉमियल में तो हम उसे कहेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। देखो वीडियो बहुत लंबा बन गया मेरे हिसाब से, मैंने देखा नहीं है बट शायद वीडियो बहुत लंबा बन गया। तो मैंने बोला था स्टार्टिंग में, सॉरी हाँ, कि मैं इस लेक्चर में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखेंगे, बट टाइम ज्यादा हो गया तो प्लीज वो हम पोस्टपोन करके नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में हम पूरा क्या है ऑपरेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, उनका ऑपरेशन कर देंगे, क्या है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ओके सो यहां तक आपको वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को और अपने दोस्तों को बताना ये चैनल कैसा है, बुरा है, अच्छा है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।